वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज का हमारा लेक्चर टोटली बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ एनसीईआरटी है। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां पर खास बात है कि अगर ये टॉपिक की क्लैरिटी बेहतर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी की किताब 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, आप उस किताब को निकाल लीजिए। किताब को निकालने के बाद मैं टॉपिक सेक्शन डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे मान लो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे आप उसमें है स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। आइए देखिए, सबसे पहली बात जो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पढ़नी है कि मोशन का मीनिंग क्या होता है और रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट का मीनिंग ऐसा समझाया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे समय के साथ में अपनी पोजिशन नहीं बदलता है तो हम उसे रेस्ट पे कहते हैं। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम स्पेंड होता है और अगर अपनी पोजिशन को बदल रहा होता है तो उसे मोशन में कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे होते हैं। यहां पर बात क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे होते हैं। और हम हमारी जो भी स्टडी है हम उस स्टडी को कन्फाइन किस लिए करेंगे, हम उस स्टडी को कन्फाइन करेंगे केवल स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए। देखिए मोशन के तो बहुत सारे टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल से आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी का मोशन आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि भाई मान लो आपने कैरम बोर्ड खेला, तो जैसे स्ट्राइकर को आपने हिट किया तो अगर स्ट्राइकर एकदम स्ट्रेट गया, स्ट्रेट पाथ पे गया तो मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है। पर अगर मान लीजिए स्ट्राइकर को आपने स्ट्राइक किया और इस तरह से वो टकराता हुआ सब जगह पर टकराया तो इसकी इस मोशन को हम मोशन इन प्लेन कहेंगे, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। देखो इधर गया x, इधर गया y, x y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो यहां हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम केवल और केवल फिलहाल बात करेंगे जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रहा होता है। आगे आइएगा समझिएगा, हम जो ऑब्जेक्ट को डील करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, दुनिया में कोई पॉइंट होता नहीं, ना मैं पॉइंट हो ना आप पॉइंट हो, इवन आप जो पेन यूज कर रहे हैं वो भी पॉइंट नहीं है, इवन जो आप पॉइंट लगा रहे हो वो भी पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट का मीनिंग एक्चुअल क्या है, तो देखो काइनेमेटिक्स में पॉइंट का सीधा मतलब जो होता है वो पॉइंट का सीधा मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसका जो साइज है अगर बहुत छोटा है, इग्नोरेबल है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपने बॉल ली, बॉल को आपने थ्रो कर दिया, बॉल स्ट्रेट पाथ पे ग्राउंड में जा रहा है। मान लो बॉल ने 100 to 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अच्छा बॉल का साइज बताओ मुझे, 200 मीटर डिस्टेंस जो कवर किया है उसके कंपैरिजन में बॉल का साइज कैसा नजर आता है। तो आप जानते हैं बॉल का साइज 200 मीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आइए देखिए यहां पर एक वर्ड यूज होगा इंट्रोडक्शन के पार्ट में जिसे काइनेमेटिक्स बोला जाएगा। तो देखिए काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या बताया जाता है। देखिए फिजिक्स में जो हम मैकेनिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो दो तरह से स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझना, मैंने एक प्लास्टिक की बॉल को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद बॉल मोशन में आ गया, चलते समय बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। मान लो हम ये चलते समय बॉल चलती जा रही है, आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, मोशन में स्टडी कर रहे हैं। पर मोशन में स्टडी करते समय आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि बॉल क्यों चल रहा है, किस कारण चल रहा है, किसने चलाया, किसके कारण चला। तो जब आप स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन कॉज नहीं ढूंढ रहे हैं, कारण नहीं ढूंढ रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा काइनेमेटिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन हम उसके रीजन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होते कि मोशन क्यों हो रहा है, उसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है। लेकिन मैकेनिक्स की वो ब्रांच, देखिए फिजिक्स के नाम बोलते हुए मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उसके रीजन को भी ढूंढते हैं कि भाई ये स्टडी कर रहा है तो किस कारण कर रहा है, अच्छा इस कारण कर रहा है। तो अगर हम विथ रीजन उसकी स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स नहीं कहते हैं, उसे डायनेमिक्स कहा जाता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए आप सेकंड टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं
टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे होंगे उम्मीद करता हूं। तो टेक्स्ट बुक में देखो 3.2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। 3.2 नंबर पे पोजीशन के बारे में बात की गई है, पाथ लेंथ के बारे में बात की गई और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की गई। देखो इसको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। भाई आप आपके घर में बैठे हुए हैं, पर आप आपके घर में कहां बैठे हुए हैं? तो आप आपके घर में किसी कमरे में बैठे हुए हैं। कमरे में कहां पर बैठे हुए हैं? किसी टेबल पर बैठे हुए हैं। टेबल नहीं सर, कुर्सी पर बैठे सर, हम टेबल पर थोड़ी बैठते हैं। हाँ ठीक है, मानता हूं आप कुर्सी पर बैठे हुए। भाई आपका घर कहां पर है? तो आप एक कॉलोनी का नाम लेंगे। सपोज आप किसी कॉलोनी में बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप सुभाष कॉलोनी में बैठे हुए। अब सुभाष कॉलोनी कहां पर है? तो आप बोलेंगे सर जलगांव में। जलगांव भी नहीं बोलेंगे आप, जलगांव का एक एरिया बताएंगे कि सर ये फलाने एरिया के पास में है। फिर मैं पूछूंगा ये है कहां पर? तो आप बोलेंगे जलगांव में। बोलूंगा जलगांव कहां पर है? तो आप बोलेंगे जलगांव महाराष्ट्र में है। मैं बोलूंगा महाराष्ट्र के कौन से पार्ट में है? तो आप बोलेंगे नॉर्थ पार्ट में है। मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको बताना होता है एग्जैक्ट पोजिशन कहां पर है। तो पोजिशन बताना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूं आपके सामने या आप जहां बैठे हैं, अगर पूछ लिया जाए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वो दरवाजे से कितनी डिस्टेंस पर है? तो देखो आप दरवाजे से कितनी डिस्टेंस पे अगर ये पूछ रहे हैं, तो आपने किसके रिस्पेक्ट में बात की? आपने दरवाजे के रिस्पेक्ट में बात की। तो आपकी पोजिशन को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और वो कुछ ना कुछ क्या कहलाता है? तो देखिए, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजिशन वी नीड टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट और सेट ऑफ एक्सेस। तो हम उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने बोला दरवाजे से आपका कितनी डिस्टेंस पर बैठे हुए, तो दरवाजा आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, बराबर है? तो दरवाजा आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से आप रेफर कर रहे हो। लेकिन फिजिक्स में जिसे रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, उसे रेफरेंस पॉइंट को समझाया जाएगा सेट ऑफ एक्सेस के द्वारा। देखो सेट ऑफ एक्सेस मतलब समझने ढंग से, भाई मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन किया, स्ट्रेट पाथ में, तो स्ट्रेट पाथ में उसे एक्स एक्सेस पे बता सकते हो, स्ट्रेट पाथ में उसे वाई एक्सेस पे बता सकते हो, स्ट्रेट पाथ में उसे जेड एक्सेस पे बता सकते हो। भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन किया, जैसे चिपकली मोशन कर रही होती है, चिपकली का मोशन देखो आप कैसा होता है दीवार पे, कभी इधर कभी उधर कभी इस तरफ। तो चिपकली की मोशन को बताने के लिए मान लो चिपकली अगर किसी एंगल पे गई, जैसे यहां स्ट्रेट जाती तो मैं कह सकता था वाई में गई, इधर जाता तो मैं कहता एक्स में गई, पर मान लो इधर गई तो मैं क्या कहूंगा, कुछ पार्ट एक्स में गई और कुछ पार्ट वाई में गई। तो चिपकली की मोशन को समझाने के लिए सेट ऑफ इंटरसेक्शन या जितने सेट ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड है वो दो है। पर आप एक मच्छर के मोशन को ले लीजिए, मच्छर मच्छर उड़ता हुआ आसमान में जा रहा है। जब मच्छर उड़ता हुआ आसमान में जा रहा है और हर जगह पे पोजीशन बदलता जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो मच्छर की मोशन को समझाने के लिए जो सेट ऑफ एक्सेस लगेंगे वो तीन लगेंगे। कभी आगे फॉरवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी आउटवर्ड। कभी आगे मतलब एक्स, कभी ऊपर मतलब वाई, और कभी आउटवर्ड मतलब जेड, या कभी इनवर्ड मतलब Z। तो सेट ऑफ एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, और इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कंसिस्टिंग ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। मतलब क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन हो, ऐसे 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 एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है बच्चों ओरिजिन। वापस सुनना, एक्स वाई इंटरसेक्शन हुआ, जहां इंटरसेक्शन हुआ क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ, ओरिजिन हुआ। ये एक्स है, ये वाई, ये जेड है, इंटरसेक्शन हुआ एक पॉइंट पर हुआ, क्या कहलाया, ओरिजिन कहलाया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिएगा, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन को समझने के बाद अब हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। देखो कैसी बात है, मोशन स्टडी करते समय जैसे आप, अभी मैंने कहा था कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, जिस समय आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, लेक्चर देखना स्टार्ट किया, उस समय को आपने नोट कर लिया। जब आपने उस समय को नोट किया, और देखिए अगर लेक्चर के ड्यूरेशन में उस समय के बाद जब से आपने नोट करना स्टार्ट किया, कि मान लो 8 बजे आपने लेक्चर स्टार्ट किया और 8:05 तक मैं लगातार अपनी पोजीशन बदलता जा रहा हूं, पोजीशन बदलता जा रहा हूं, बराबर है, कभी आगे जा रहा हूं, कभी पीछे जा रहा हूं, है ना, कभी फॉरवर्ड है, कभी बैकवर्ड है, कभी राइट है, कभी लेफ्ट है, तो समय के साथ साथ मेरी अगर पोजीशन बदल रही है, समय के साथ साथ अगर मेरी पोजीशन बदल रही है, तो समझिएगा कि आप क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ टीचर इज चेंजिंग विथ टाइम। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोजीशन को लोकेट करते समय। तो ऐसा सेट ऑफ एक्सेस, ऐसा रेफरेंस एक्सेस जिसमें टाइम या घड़ी भी इंक्लूड कर दी जाए, उसे क्या कहा जाएगा, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा।
तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कंस्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैंने कहा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा रेफरेंस एक्सेस जिसमें क्या हो, क्लॉक भी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। तो मोशन का मीनिंग वापस एक बार समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन बदलता है किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, इसमें क्या आ गया, इसमें रेफरेंस पॉइंट आ गया, जिसमें क्लॉक आ गया, तो उसे कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। वापस समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। और सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के साथ बदलता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे मोशन में कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, जैसे आप जहां बैठे हैं, आपकी टेबल जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घड़ी लगा लीजिए, 8 बजे भी वही मिल रही है, 9 बजे भी वही मिल रही है, और 10 बजे भी वही मिल रही है, तो क्या अपनी पोजीशन बदल रही है? तो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है। और जब अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है तो बताओ क्या कहलाएगा भाई, सोच के जवाब दो, क्या कहलाएगा, रेस्ट या मोशन? तो मुझे पक्का पता है आप क्या कहेंगे कि रेस्ट पर है। तो हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन को समझा। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन ये भी समझ लिया जाए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है तो मोशन इन प्लेन, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर पार्टिकल स्पेस में मोशन कर रहा है तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा मुझे एक दिन, सर अगर पार्टिकल स्पेस में मोशन कर रहा है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया मान लो चिड़िया मूड में आ जाए कि आज एकदम स्ट्रेट पाथ पे जाएंगे, उड़ते हुए स्ट्रेट पाथ पे जाएंगे, तो बताओ क्या होगा? सर स्पेस में है ना, 3 डायमेंशन मोशन। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना एक ही कोऑर्डिनेट बदल रही है समय के साथ में, वो एक ही पाथ पे जा रही है। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है समय के साथ में, टाइम के साथ में, तो 1 डायमेंशन मोशन। उसके अगर 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 1 डायमेंशन मोशन। 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, 2 डायमेंशन मोशन। और 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो उसे कौन सी मोशन कहा जाएगा, 3 डायमेंशन मोशन। मतलब स्पेस में भी मच्छर अगर प्रतिज्ञा कर ले, मच्छर अगर ऐसा संकल्प ले ले कि मैं तो आज केवल स्ट्रेट पाथ पर ही मोशन करूंगा, हवा में उड़ूंगा लेकिन स्ट्रेट जाऊंगा, बोलो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट जा रहा है, एक ही पोजीशन चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, या तो एक्स के अलोंग जा रहा है, या वाई के अलोंग जा रहा है, या जेड के अलोंग जा रहा है, बराबर है? तो अगर एक कोऑर्डिनेट बदले 1 डायमेंशन, 2 बदले 2 डायमेंशन, 3 बदल जाए 3 डायमेंशन मोशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। देखिए अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पाथ लेंथ के बारे में, अब पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को समझना। तो पहले थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैंने अभी आपको एक बात साफ स्पष्ट बताई कि अब जो हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं वो अलोंग स्ट्रेट लाइन ही बात करेंगे। तो देखो स्ट्रेट लाइन में अगर आप अभी मूवमेंट को देखना, अगर आप ऐसे गए मतलब आपके सबसे राइट गए, आप अगर ऐसे गए तो आपके हिसाब से लेफ्ट गए, आप ऐसे आए तो आपके हिसाब से आउटवर्ड आए, अगर ऐसे गए तो आपके हिसाब से इनवर्ड गए, भाई ऐसे गया तो आपके हिसाब से अपवर्ड गया, और ऐसे गया तो आपके हिसाब से डाउनवर्ड गया। अब समझना ध्यान से, डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ क्या है, ये एग्जांपल देखिए स्क्रीन पर आइए और एग्जांपल समझिए। यहां बताया गया है कि एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन ओ से शुरू हो रहा है, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200, 200 से 240, 280, 280 के बाद 320, 360, 400. इधर देखिए -40, -80, -120 और -160. देखिए यहां पर हमने क्या किया, ओ मतलब ओरिजिन कह दिया, पी है एक पार्टिकल, जब ओ से शुरू होकर पी पे पहुंचा, तो ओ से शुरू होकर जब वो पी पे पहुंचा तो देखो पोजिशन ऑफ पॉइंट पी कितना है, तो 360 मीटर है। अब देखिए ओ से पी पहुंचा तो पोजीशन पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस पर है, उसका पाथ लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का रास्ता कितना है, तो 360 मीटर है। भाई इस रास्ते में खास बात देखो 360 मीटर है, बराबर है। लेकिन अगर सोचो कोई पार्टिकल ओ से पोजीशन क्यू पे चला जाए, कहां पे चला जाए, ओ से क्यू पे चला जाए, तो बोलो कितना रास्ता जाना पड़ा उसे, कितना कवर करना पड़ा, तो उसे 240 जाना पड़ा, बराबर है ना। तो अब यहां पर जब आप यह कह रहे हैं कि आप 360 मीटर गए ओ से पी, आप यह कह रहे हैं कि आप ओ से क्यू 240 मीटर गए, तो जो रास्ता आपने तय किया है उसी रास्ते को पाथ लेंथ कहा जा रहा है।
उसी रास्ते को पाथ लेंथ कहा जा रहा है, उसी डिस्टेंस को पाथ लेंथ कहा जा रहा है। तो पाथ लेंथ में देखो हमने ये बात नहीं की कि आप राइट गए, पाथ लेंथ में मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लेफ्ट गए, पाथ लेंथ में मैंने डायरेक्शन की बात नहीं कही, जो आपने रास्ता तय किया है उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। अब आइएगा देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। शुरुआत में पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पर था, अब वो पी क्यू आर उसकी तीन पोजिशन है। पहला केस हम देख रहे हैं कि पार्टिकल ओ से पी जाए, समझना ध्यान से, पहला केस पार्टिकल कहां से कहां जाए, ओ से पी जाए, तो देखो ओ से पी 360 मीटर। अब दूसरा केस समझिएगा, दूसरा केस ऐसा है कि पहले पार्टिकल ओ से पी गया, पी से क्यू आया, समझना ध्यान से, पहले पार्टिकल ओ से पी गया, पी से क्यू आया, मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जब ओ से पी गया तो 360 मीटर कवर किया, अब पी से क्यू जब आएगा तो चेक करना कितना होगा, पी से क्यू, देखो यहां से यहां तक 360, यहां से यहां तक 240, तो ये डिफरेंस आएगा 120। तो अब समझिएगा बच्चों, यहां से गया 360 प्लस 120 कितना हो गया, 360 प्लस 120 आपके पास में 480 होता है। देखो यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे 80 मीटर नहीं 480 मीटर आएगा, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे जाते समय 360, इधर से 120 तो 480, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो पाथ लेंथ के बारे में मैंने कहा, मैंने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की कि पार्टिकल कहां गया। विदाउट डायरेक्शन हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, और विदाउट डायरेक्शन जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, भाई बताओ। अगर आप विदाउट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को समझाने के लिए, तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर या स्केलर, तो इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। अब देखिए एक क्वांटिटी और डिफाइन की जाती है, अगर आप ऐसा ऐड कर देते कि पार्टिकल ओ से राइट डायरेक्शन में पी पर जा रहा है, आप ऐसा कहते हैं पार्टिकल ओ से राइट डायरेक्शन में क्यू पर जा रहा है, बराबर, आप ऐसा कहते हैं पार्टिकल पी से क्यू तो आ रहा है लेकिन लेफ्ट आ रहा है, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, पार्टिकल पी से क्यू तो आ रहा है लेकिन कहां आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो देखो जब डायरेक्शन ऐड कर देते, डायरेक्शन एक टर्म डिफाइन कर देते, एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है समझना, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि मान लो पार्टिकल की दो पोजीशन है, शुरुआत में x1 पोजीशन है t1 टाइम पर और x2 पोजीशन है t2 टाइम पर, तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाता है पार्टिकल की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल की क्या पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करो, आप पहले ढूंढो कि पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है, फिर ढूंढो कहां पे खत्म कर रहा है, भाई जहां से शुरू करता है, जहां से शुरू करता है उसे मैं कहता हूं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे वो खत्म करता है उसे मैं कहता हूं एंडिंग पॉइंट। वापस सुन लीजिएगा ध्यान से, जहां से शुरू करता है उसे मैं कौन सा पॉइंट कह रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे वो खत्म कर रहा है उसे मैं कौन सा पॉइंट कह रहा हूं, एंडिंग पॉइंट। जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पर हम इस बुकिश लैंग्वेज के डेफिनेशन के हिसाब से बात करेंगे तो यहां पर बोला जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्या हुआ, इसमें डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे। पहला केस ऐसा है कि अगर मान लीजिए x2 ग्रेटर देन x1 आ गया, बराबर है, मान लो ये 20 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, तो 20 माइनस 10 आपके पास में आएगा 10 मीटर। तो अगर फाइनल वैल्यू बड़ी है इनिशियल छोटी है तो ये पॉजिटिव आता है। लेकिन सोचो अगर x2 इक्वल टू x1 हो जाए, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 हो जाए, है ना, ये भी 10 और 10 हो जाए, तो 10 माइनस 10 आंसर कितना आएगा, तो आंसर 0 आएगा। और सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि x2 और x1 का जो रिलेशन है, समझना, आपके पास में x2 आ जाए 10 मीटर, कितना 10 मीटर, और x1 है 20 मीटर, तो देखो 10 माइनस 20 आंसर नेगेटिव। तो देखो x1 x2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये आंसर, तीन तरह से आ सकता है, ये आ सकता है पॉजिटिव, ये आ सकता है नेगेटिव, और ये आ सकता है 0। रिपीटिंग वंस अगेन, क्या क्या पॉसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट, भाई x2 बड़ा हो गया x1 से तो पॉजिटिव, x2 बराबर हो गया x1 के तो 0, और x2 छोटा हो गया x1 से तो नेगेटिव। तो देखिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव 0, तीन बातें हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैंने ये कहा आपसे समझाते वक्त, या तो राइट या तो लेफ्ट, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपको जाना है स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर, तो अगर राइट गए तो प्लस ले सकते हैं, लेफ्ट गए तो माइनस ले सकते हैं, अरे अपवर्ड गए तो प्लस ले सकते हैं, डाउनवर्ड गए तो क्या ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। इसलिए वन डायमेंशन मोशन में, वापस सुनना, वन डायमेंशन मोशन में प्लस और माइनस यही सफिशियंट है। वन डायमेंशन मोशन में जरूरी नहीं कि आप प्लस आई और माइनस आई लिखें,
जरूरी नहीं है कि आप प्लस जे और माइनस जे लिखें। देखो लिखा तो समस्या नहीं है, ना भी लिखा तो काम चल जाएगा। इसलिए कई बार वन डायमेंशन मोशन में वेक्टर नोटेशन यूज नहीं किए जाते। आइएगा हम पहले केस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहले केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल जब ओ से पी जा रहा है तो देखो इसको स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, इनिशियल पॉइंट है ओ, मतलब एक्स वन की वैल्यू जीरो है, और फाइनली जहां पहुंचा पी, तो देखो राइट जा रहे हैं तो राइट को मैंने अभी क्या बोला, देखो राइट मतलब प्लस, लेफ्ट मतलब माइनस, तो यहां ओ से पी जब गए तो प्लस 360 है, तो आओ देखो प्लस 360 है। तो यहां पर देखो प्लस 360 फाइनल पोजिशन, एक्स जीरो इनिशियल पोजिशन, प्लस 360 माइनस जीरो कितना आ गया प्लस 360 मीटर। अच्छा प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है राइट साइड मोशन है, प्लस क्या बता रहा है राइट साइड मोशन है। अच्छा के सेकंड पी से क्यू, अब देखो आ जाओ पी से क्यू, भाई पी से क्यू इस बार शुरू कहां से कर रहा है, पी से, खत्म कहां पे कर रहा है, क्यू पर। तो देखो पी से क्यू जाते समय देखो इनिशियल क्या हो गया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल हो गया 360, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल क्या हो गया 240। तो देखो वापस से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शुरुआत कहां से हुई, पी से हुई, खत्म कहां पर हुआ, क्यू पर हुआ भाई। तो पी से, अच्छा पी से क्यू की हम बात कर रहे हैं या क्यू से पी की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर क्यू से पी समझाया लेकिन यहां पर पी से क्यू की बात की जा रही है, तो पी से क्यू समझिएगा। पी से क्यू, तो पी से क्यू, पी की पोजिशन कहां पर है, तो पी की पोजिशन आपके पास में शुरू कर रहे हैं पी से जा रहे हैं क्यू पर, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली गए कहां पर क्यू पर, इनिशियली कहां से गए पी से गए, तो देखो फाइनली 240 इनिशियली माइनस 360, तो आंसर आया -120। अच्छा माइनस क्या बता रहा है भाई, माइनस बता रहा है देखो प्लस राइट साइड तो माइनस लेफ्ट साइड, तो यहां देखो डायग्राम में यहां पे आप पी से क्यू जा रहे हो, तो पी से क्यू जा रहे हो मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस तरह से भी इसे समझा जा सकता है। तो माइनस यहां पर ऐसा नहीं बता रहा कि -120 मतलब छोटा 120, +120 मतलब बड़ा 120, ऐसा नहीं बता रहा है। हाँ समझ लेना इस बात को, -120 और +120 अगर बोला जाए कंपेयर करो भाई, +120 और -120 कंपेयर करो, तो देखो ध्यान रखना इस बात को, +120 मतलब 120 मीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, -120 मतलब 120 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये मतलब निकलता है। यहां मतलब नहीं निकलता +120 इज ग्रेटर देन -120, ये गलत है, प्लस और माइनस डायरेक्शन बता रहा है। आइए हमने इसे समझाने के लिए वेक्टर को यूज नहीं किया, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, और अभी थोड़ा ये भी समझते हैं कि डिफरेंट केसेस जो आपको और समझने हैं, उसमें ऐसा केस भी हो सकता है कि देखो कभी कभी मैंने अभी बोला कि आपने जो भी स्टडी किया उस केस में जब आप ओ से पी गए, और ओ से पी जाते वक्त हमने दो बातें सीखी। पहला केस देखा जिसमें हमने कहा विदाउट डायरेक्शन सोचो, पहला केस हमने देखा जिसमें हमने कहा विदाउट डायरेक्शन सोचो, और दूसरा केस हमने कहा विद डायरेक्शन सोचो। तो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, और कभी हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग हो। तो आओ समझते हैं कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और हो सकता है अलग भी हो जाए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी सेम, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ये बात हम समझते हैं। आओ देखो एग्जाम्पल से समझो, यहां ओरिजिन ओ है, अब देखो ओ से पी आप गए, ओ से पी गए विदाउट साइन, बताओ कितना कवर किया 360, तो पांच लेंथ आ गया 360। अच्छा अब ओ से पी गए, अब बताना कहां गए ओ से पी, तो ओ से पी आप जब गए तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए मतलब प्लस 360। अब यहां नोटिस करना +360 और 360, आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट साइन, और डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड ले लो मतलब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, देखो 360 और 360 दोनों सेम आए। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पोशन कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे, और अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता हो, एक बार निकला और सीधा ही जा रहा है, एक बार निकला और सीधा ही जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ये याद रखिएगा। पर मैंने क्या कहा, सीधा ही जा, राइट जा रहा है तो राइट ही जा रहा है, टर्न नहीं हुआ है, ना राइट हुआ है ना लेफ्ट हुआ ना पीछे आया है, तभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। अब देखिए, अब केस नंबर सेकंड देखते हैं हम, केस नंबर सेकंड में क्या देखेंगे, पार्टिकल पहले ओ से पी गया और पी से क्यू आया। देखो केस नंबर सेकंड में पार्टिकल पहले कहां गया, ओ से पी, पी से क्यू, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, तो इसका एंडिंग पॉइंट है क्यू, ठीक है ना। तो अब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं, पहले देखो डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, भाई ओ से पी गए बिना साइन के 360, पी से क्यू आए बिना साइन के 120,
बोलो 360 प्लस 120, अरे 360 प्लस 120 बोलो कितना होता है, 480 होता है, 480 होता है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, समझना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ओ से पी गए तो बोलो ओ से पी गए मतलब कहां गए, राइट गए या लेफ्ट गए, तो ओ से पी राइट गए, ओ से पी राइट गए, राइट गए मतलब प्लस या माइनस, तो प्लस, प्लस 360। अब पी से क्यू आए, बताना ध्यान से, पी से क्यू आए मतलब क्या, लेफ्ट गए या राइट गए, तो लेफ्ट गए, लेफ्ट कितना गए, माइनस 120। एक तरीका यह है दोनों को ऐड कर दो तो 360 माइनस 120 कितना होता है वो निकल जाएगा, या दूसरा तरीका ऐसा है जैसा किसमें बताया गया है कि भाई शुरुआत ओ से हुई, खत्म क्यू पे हुआ, स्टार्टिंग ओ है, एंडिंग क्यू है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो फाइनल क्या है, फाइनल क्यू है, इनिशियल क्या है, इनिशियल ओ है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स ओ, तो एक्स क्यू फाइनली, देखो पार्टिकल कहां पर था, ओ से गया पी पर, पी से आया क्यू पर, मतलब नहीं कि बीच में कहां रोका, फाइनल कहां पर आया, क्यू पर आया, कितना है फाइनल 240, इनिशियल कितना है तो जीरो है, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल 240 माइनस जीरो, देखो प्लस 240 आया, मतलब देखो यहां पर क्या है, अभी भी फाइनली पार्टिकल ओ के रिस्पेक्ट में राइट ही है, ओ के रिस्पेक्ट में कहां पर है, राइट है, राइट है मतलब प्लस में है, तो देखिए इसलिए प्लस यहां पे बताया गया है। लेकिन आप देखो कंपेयर करके देखो भाई, हमने बिना साइन के बोला था 480, बिना साइन के क्या बोला था 480, और अभी कितना आया 240, तो देखो 480 इज ग्रेटर देन, बोलो भाई 480 इज ग्रेटर देन 240, तो इसलिए हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में कहा जा सकता है ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और देखिए पुरानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मे बी इक्वल और मे बी ग्रेटर देन, दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बात और समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो, मतलब क्या भाई, किसी ड्यूरेशन में किसी जगह पर ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो, तो इस एग्जांपल को भी समझते हैं हम। देखो ओ से पार्टिकल गया पी, पी से वापस आया ओ, समझना ध्यान से, ओ से गया पी, पी से आया ओ, बिना साइन के सोचो, ओ से गया पी बिना साइन के 360, पी से आया ओ बिना साइन के वापस 360, 360 प्लस 360 बोलो कितना होता है, तो 360 प्लस 360 720 होगा, ओके तो ये 720 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शुरू कहां से किया, ओ से, कहां पे गया पी पर, वापस कहां पर आया ओ पर, मतलब स्टार्टिंग कौन सा हुआ ओ, एंडिंग कौन सा हुआ ओ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्सो माइनस एक्सो मतलब जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो आंसर कितना आया जीरो। तो देखो इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो हमने तीनों बातें सीखी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, इन जनरल डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। ये तीनों बातें सीखने के बाद में आगे हम और सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए अब हमने अभी समझा कि पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो हम ग्राफ के बारे में समझते हैं, ग्राफ क्या होता है, इसी टॉपिक के अंदर आप देखोगे जब किताब लेके बैठोगे ना तो आपको ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ होता क्या है, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप मोशन को एनालाइज भी कर सकते हो और रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, उसे ग्राफ कहते हैं। अब ये ग्राफ कैसे हो सकते हैं, ये पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करता है, पहले मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा और उसके बाद मैं वापस आके बोर्ड की मदद से आपको डिस्कशन करूंगा। देखो पहला केस, जब पार्टिकल अपनी पोजीशन ना बदले, सर मतलब सर थोड़ा समझाओ भाई, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मान लो मेरी कहीं से पोजीशन ले ली जाए, डिस्टेंस ले ली जाए कि भाई दरवाजे से या दीवार से मेरी डिस्टेंस 10 मीटर है, तुमको बोलूं मैं चलो घड़ी निकालो, घड़ी लगाओ, 12 पे कांटा आ रहा है, 12 पे जो कांटा आ रहा है उस पे घड़ी लगाना शुरू कर दो, और उसके बाद कम से कम एक घंटे तक जब तक पूरा लेक्चर चल रहा है बताओ क्या मेरी पोजीशन दीवार से बदली, क्या मेरी पोजीशन दीवार से बदली। मान लो 3 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा हूं मैं, और मैं 3 ही फीट पे खड़ा रहा हूं हमेशा 3 फीट डिस्टेंस पर, तो बताओ क्या मेरी पोजीशन बदली, तो मेरी पोजीशन नहीं बदली, मेरी पोजीशन नहीं बदली मतलब मैं रेस्ट पर हूं। तो देखिए क्या हुआ, मान लो एक ग्राफ में देखो, ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पर आपको एक्स गिवन है, टी इक्वल टू जीरो पर 20 मीटर और 40 मीटर, मान लो 40 मीटर 40 मीटर डिस्टेंस पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, 10 सेकंड पे भी 40 मीटर पर है, 20 सेकंड पे भी 40 मीटर पर है, 30 सेकंड पे 40 मीटर पर, 40 सेकंड पे 40 मीटर पे, 50 सेकंड पे 40 मीटर पे, 60 सेकंड पे 40 मीटर पे, मतलब पोजीशन बदल ही नहीं रहा है, और बदल नहीं रहा है मतलब रेस्ट पर है,
तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ भाई, पार्टिकल एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर से 10 मीटर चला, मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तो 2 सेकंड में 20 मीटर हो चुका है, 20 मीटर, 2 सेकंड 20 मीटर, 3 सेकंड 30 मीटर, 4 सेकंड 40 मीटर, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कौन सी मोशन कहा जाता है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब आप x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 20, या टाइम की वैल्यू 3, तो आपके पास में पोजिशन की वैल्यू 30, टाइम की वैल्यू 4, तो आपके पास में पोजिशन की वैल्यू 40, तो कोऑर्डिनेट लेके प्लॉट करोगे ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ऐसा जैसा कि बताया गया है। आ जाओ तीसरे नंबर का केस। तीसरे नंबर के केस में देखो क्या हुआ, एक गाड़ी की बात कर रहे हो आप, एक फोर व्हीलर है, जैसे स्टार्ट किया, गियर डाला, पहले पहले मोशन, पहले चाबी घुमाई आपने, फोर व्हीलर स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, स्टार्ट होने के बाद में आपने जैसे एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो शुरू में रेस पर थी, पहले धीरे धीरे चली, फिर सडन आपने 0 से 20 तक, और 20 से वापस से आपने क्या किया, 20 से आपने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ा के ब्रेक लगा दिया। बताओ क्या हुआ, पहले रेस पे था, फिर मोशन में आया, फिर स्पीड बढ़ी, पोजीशन चेंज हुई, फिर आपने बहुत तेजी से बढ़ाया, पोजीशन बदला, पोजीशन बदला, वापस से रोक दिया। देखिए ग्राफ को कैसे प्लॉट किया गया, शुरुआत में 0 से लेकर 2 सेकंड तक रेस पर था, धीरे 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 पोजीशन बढ़ा, पोजीशन बढ़ा, फिर देखो यहां से यहां तक स्ट्रेट पाथ पर, मतलब 1-1 रिलेशन में पोजीशन बढ़ा, 1 सेकंड में थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर अगले सेकंड में फिर और आगे बढ़ा, और थोड़े समय बाद देखो जाके क्या हुआ, 20 सेकंड के आसपास जाके पार्टिकल, देखो यहां पर 20 सेकंड के आसपास जाके पार्टिकल की पोजीशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ पैरेलल आ चुका है। मतलब क्या हुआ, जो उसकी पोजीशन स्थिर हो गई वहीं पर कांस्टेंट हो गई, और जब पोजीशन कांस्टेंट हो जाए, पोजीशन ना बदले, तो बोलो पार्टिकल क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है या रेस्ट पे कहलाता है, तो पार्टिकल रेस्ट पे कहलाता है। तो इस तरह से इसकी मोशन को बताया जा सकता है। देखिए अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 3.3, टेक्सटबुक फिर निकाल लो, निकाल के टॉपिक बैठ जाओ, पहले या तो किताब पढ़ लो या पहले नोट्स पढ़ लो, तो लेक्चर देखने के बाद जरूर नोट्स बना लो अपने लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो भी हमने डिस्कस किया है उसको और सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लैंग्वेज में। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी टर्म डिफाइन किया गया है भाई, देखो इस एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट को ऐसा समझते हैं हम एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं भाई। आप घर से निकले, आप घर से कहीं पे निकले, ठीक है ना, आप घर से कहीं पे निकले, आपकी क्लास पे गए, कोचिंग पे गए, घर से किसी समय पे निकल गए, मान लो आप 12 बजे घर से निकले और 12:30 पे क्लास पे पहुंचे, तो 12:30 तक क्लास में पहुंचने के बीच में आपके साथ क्या क्या घटा समझना ध्यान से। आपके साथ ये घटा कि बीच में स्पीड ब्रेकर आया, बीच में किसी पुलिस ने रोका, बीच में किसी गाय भैंस आ गई, गाड़ी रुक गई, फिर बीच में कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत फास्ट गए और आप जाके क्लास में पहुंच गए। तो देखो आपके घर से क्लास, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर और एंडिंग पॉइंट मान लो क्लास, एक स्ट्रेट पाथ ज्वाइन कर दिया जाए तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बराबर है, मैं कॉन्शियस नहीं हूं कि बीच में कौन मिला, किससे मुलाकात हुई, क्यों रुके, किस कारण से रुक गए, किसने पकड़ लिया, मैं इंटरेस्टेड हूं दो ही बात पे, भाई शुरू कहां से किया, खत्म कहां पर है, पहला स्टार्ट कहां से किया, एंड कहां पर किया, ज्वाइन कर दो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कितने टाइम में, आधे घंटे में, 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर आपने किया, 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर दो सेकंड्स के अंदर, बराबर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल, उनका जो रेशियो होता है उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसे कहते हैं चेंज इन पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 - x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। अच्छा यूनिट क्या होगी, चेक करो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट कितनी होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा आप जब गाड़ी यूज करते हो, फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, तो उसकी स्पीड किसमें लिखी रहती है, उसकी यूनिट क्या होती है, आप बोलते हो ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो किलोमीटर पर आवर, कारण डिस्टेंस को मेजर करने का प्रैक्टिकल यूनिट है किलोमीटर, टाइम को 1 आवर या आर कह सकते हैं, तो किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप जब कन्वर्ट करते हो तो 5/18 मीटर पर सेकंड मिलता है, 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने पर 5/18 मीटर पर सेकंड मिलता है। कन्वर्जन कई बार हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने कहा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी को भी हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए मैंने फिर से कहा कि जब हम जहां डील कर रहे हैं वो वन डायमेंशन में कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी के समय भी अगर प्लस लिखा जाए तो कोई एक डायरेक्शन, माइनस लिखा जाए तो कोई दूसरी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा जा सकता है। अब देखिए आइए थोड़ा सा पोजिशन टाइम ग्राफ को समझिए। यहां पर यहां पोजिशन टाइम ग्राफ में देखो टाइम टी इक्वल टू जीरो, वन सेकंड, टू सेकंड, थ्री सेकंड, फोर सेकंड, फाइव सेकंड, सिक्स सेकंड, सेवन सेकंड, बराबर। अब 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर और 45 मीटर, बराबर है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया है, पार्टिकल की पोजीशन बदलते हुए इस तरह से बताया गया है। अब समझिए हमने क्या किया, हमने 5 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन देखी, तो 5 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन 10 मीटर। हमने 7 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन देखी, तो 7 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन 27.4, ग्राफ के इंटरसेक्शन से बात बताई गई है, बराबर है। तो देखना 5 सेकंड पर पोजीशन कितनी 10, 7 सेकंड पर पोजीशन कितनी 27.4, तो T1 आ गया 5 सेकंड, T2 आ गया 7 सेकंड, X1 आ गया 10, X2 आ गया 27.4। तो डिस्प्लेसमेंट के एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल देखो कितना है 27.4, इनिशियल कितना है 10, और टाइम देखो 7-5, तो 7-5 कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो 17.4 डिवाइड बाय 2 ये आता है आपके पास में 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में देखो ग्राफ में क्या आ रहा है, तो ग्राफ में यहां से जब ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करने पर कॉर्ड मिल रही है आपको ग्राफ के लिए, तो ये जो आपके पास में ग्राफ है ये एवरेज सेक्शन को बता रहा है। देखो इस इंटरवल में जितना पोजिशन उसने कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, इसे बताने का काम कर रहा है ये ग्राफ। आइएगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में वापस से वही बात, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। अब देखो ग्राफिकली जो पिछला केस हमने देखा था वही केस यहां पर है। पार्टिकल जब रेस्ट पर होता है तो पार्टिकल के रेस्ट पर होने पर देखिए यहां पर क्या है, पोजिशन चेंज नहीं हो रही, तो हम जानते हैं पोजिशन चेंज अगर नहीं हो रही है तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कर दीजिए डीएक्स बाय डीटी, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या है कांस्टेंट है वेरिएबल है, बोलो भाई 5 क्या है कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो वेलोसिटी 0। तो जब भी पार्टिकल रेस्ट पर होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। देखो केस सेकंड, जो पिछला केस मैंने बताया था कि 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 1 सेकंड पे 10 मीटर, 2 सेकंड पे 20 मीटर, 3 सेकंड पे 30 मीटर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब यहां देखो XT ग्राफ दिख रहा है, तो y और ये x ग्राफ, y एक्सेस और ये x एक्सेस, तो x एक्सेस पे टाइम और y एक्सेस पे पोजीशन, तो ये इक्वेशन हो गई y इक्वल टू mx, तो y मतलब x, x मतलब t, तो x इक्वल टू kt, k मतलब कांस्टेंट ले लिया। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, सुनिएगा ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो dx by dt डिफरेंशिएशन kt, के बाहर निकाल लो, के कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन टी आ गया, डिफरेंशिएशन टी आता है 1, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं यहां पर डिस्कशन डिटेल में नहीं कर रहा हूं। तो आइए ये आ गया पॉजिटिव। अच्छा एक बात अब यहां पे चेक कर लो, ये बनने वाला एंगल लेस देन 90, देखो टी का ग्राफ से बनने वाला एंगल लेस देन 90 है, और जब भी टेन थीटा लेस देन 90 होता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। आइए अब यहां पर चेक कीजिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि जब पार्टिकल का पोजिशन टाइम ग्राफ इस तरह से बताया जाए जिसमें कि बनने वाला एंगल ग्रेटर देन 90 हो, तो देखो यहां से पॉइंटर पर ध्यान देना माउस के, टी से इस जगह से अगर आप यहां पे ग्राफ को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ को यहां पर ज्वाइन करने पर क्या हो रहा है, तो ग्राफ को यहां ज्वाइन करने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेटर देन 90 एंगल बन रहा है, ग्रेटर देन 90 बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90, और टेन थीटा मतलब स्लोप, वापस सुनना बेटा, टेन थीटा मतलब स्लोप, किसका स्लोप, पोजिशन टाइम ग्राफ का, किसका स्लोप, पोजिशन टाइम ग्राफ का, तो पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब टेन थीटा जो बता रहा है वो वेलोसिटी बता रहा है। तो देखो यहां पर वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी निगेटिव आएगी, टेन थीटा निगेटिव है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो पोजिशन टाइम ग्राफ में उसका स्लोप मतलब टेन थीटा क्या बता रहा होता है, तो वो उसकी वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तो ये बात हमने डिफाइन की, ये बात हमने समझी। अब देखिए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा एग्जांपल से समझिए, यहां पे
यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ जो मैं आपको पीपीटी पे तो समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर मुझे लगा उचित कि आपको बताना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कशन करना शुरू किया है। यहां देखो मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लो पोजीशन 10 मीटर और यहां 5 सेकंड दे रखा है, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है तो 10 मीटर है, बेस कितना है तो 5 सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड है मतलब यूनिट देखो चेक करो क्या है, तो मीटर पर सेकंड है मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 10 थीटा मतलब क्या आया? वेलोसिटी आया। तो अभी मैं ये बोलूंगा आप लोगों को हिंट से समझना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हो उसका 10 थीटा निकाला तो 10 थीटा आएगा आपके पास में वेलोसिटी के बारे में। अब नोटिस ये करो कि थीटा 30 या थीटा कह लो 0, 30, 45, 60, 90, 120 और 180 ऐसा ले लो। तो बेटा ये ध्यान रखना 10 थीटा की वैल्यू जब भी लेस देन 90 होती है तो 10 थीटा के आंसर सारे पॉजिटिव आते हैं। 10 थीटा जब भी 90 डिग्री होता है तो 10 थीटा की वैल्यू जब भी 90 डिग्री होती है तो अनडिफाइंड थीटा 90 होने पर 10 90 डिग्री इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट मतलब डिफाइन नहीं किया जाता है, और थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 आए तो 10 थीटा की सारी वैल्यू नेगेटिव आती है। बराबर है ये बात? अगर आपको अभी भी क्लियर ना हो तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, 11th क्लास प्लेलिस्ट नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जाके जरूर पढ़ो, अगर नहीं पता हो तो, पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ आप समझो, हमें हमेशा एंगल जो लेने होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया तो यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेने पर चेक कर लो, यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेने पर थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, तो 10 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री जब है तो हम ये कह सकते हैं 10 थीटा मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो आएगी इसका मीनिंग क्या हुआ? ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? तो ये नेगेटिव आएगी। यहां थीटा लेस देन 90 है तो 10 थीटा की वैल्यू देखो लेस देन 90 होने पर पॉजिटिव होती है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आने वाली है, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ओके तो आगे समझिए, अब यहां पार्टिकल अभी पहला एग्जांपल जब दिया था मान लो 40 मीटर पर है तो एक्स की वैल्यू 40 मीटर पर है और मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो डीएक्स बाय डीटी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 40 और 40 डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आ जाता है आपके पास में जीरो। तो ये आ गया पार्टिकल है थ्रस्ट, ये आ गया पॉजिटिव वेलोसिटी और ये आ गया कौन सा? नेगेटिव वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने तीनों बातों को अभी वापस फिर से सीखा। देखिए हमने अभी टॉपिक पढ़ा एवरेज वेलोसिटी के बारे में, अब हम समझ रहे हैं स्पीड के बारे में। अब देखो आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक आना चाहिए कि सर जब एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर दी तो स्पीड डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? और ये सही भी है, थोड़ा सोच के देखो मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, तो मैंने उससे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, मतलब या तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें। अच्छा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाया तो ये बात जानते हो ना कि पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता, मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता, कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है। तो भाई मानो समझो कि एक रास्ते से कोई पर्सन गया उसे 10 मीटर लगा और डिस्टेंस वाले पाथ से गया पाथ लेंथ मान लो 20 मीटर लगा, दोनों को समय मान लो 5 सेकंड लगा, तो 10 डिवाइड बाय 5 एक का आंसर आया 2 और एक का 20 डिवाइड बाय 5 एक का आंसर आया 4। अब बताओ टाइम तो सेम लगा लेकिन एक ने कम और एक ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो यहां मैग्नीट्यूड सेम ना होने से आंसर सेम नहीं है। तो आप और हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे हमें डेफिनेटली जरूरत है दो अलग अलग क्वांटिटी को डिफाइन करने की, इसलिए एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर गिवन दैट इंटरवल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आइए एवरेज स्पीड देखिए पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा लेंथ किसमें मेजर करते हो बताओ? तो लेंथ करते हो मीटर में मेजर और टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर को चेंज करना हो तो 5/18 से कर सकते हैं लेकिन हम उसकी रिक्वायरमेंट अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। देखो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस, एवरेज वेलोसिटी हमें जानकारी देता है कि वो ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है, स्पीड में हमें यह नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है। जैसे किसी ने कहा सपोज 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोई पर्सन जा रहा है, तो क्या जानकारी मिली कहां जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आर तो पता चला लेकिन कहां जा रहा है जानकारी नहीं मिली, मतलब एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं या स्पीड की हम बात कर रहे हैं? आइए और समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से।
देखिए एग्जाम्पल ऐसा बोला गया कि कार मोशन कर रही है, शुरुआत ओ से की, पहले पी पर गई, इसको 18 सेकंड लगे, 18 सेकंड लगे, पी से फिर क्यू पर आई, बराबर है, पहला कैसे ओ से पी गई, बराबर, दूसरा कैसे ओ से पी गई और पी से क्यू आई, भाई ओ से पी जाने में 18 सेकंड लगा, पी से क्यू आने में 6 सेकंड लगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, जब ओ से पी गया तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, फिर क्या पूछा गया, जब ओ से पी गया पी से क्यू आया तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। आओ समझते हैं, देखो स्पीड मतलब क्या, जब ओ से पी गया, ओ से पी गया बिना साइन के बताओ कितना कवर किया, तो 360 किया। ओ से पी जाने में टाइम कितना लगा, 18 लगा। तो देखो पहला कैसा, 360 डिवाइड बाय 18, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो जीरो से ओ से पी हम बात करें, देखो ओ से पी मतलब राइट है या लेफ्ट है, तो राइट है, राइट है तो कितना है, प्लस 360 है, माइनस 360 है, तो प्लस 360 है, बराबर है, राइट है मतलब प्लस है, तो प्लस 360 डिवाइड बाय टाइम कितना, 18। तो आंसर देखो 20 नहीं, प्लस 20, वहां ऊपर है 20 मीटर पर सेकंड, नीचे है प्लस 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड विदाउट डायरेक्शन है, प्लस 20 मीटर पर सेकंड मतलब प्लस का मतलब है राइट साइड, या प्लस का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड के। तो देखो यहां इत्तेफाक से मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आ रहे हैं, देखो ये भी 20 मीटर पर सेकंड और ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, बराबर है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो जाए। लेकिन सेकंड केस में आ जाओ स्टूडेंट, सेकंड केस में जब आप ओ से पी बात करो और पी से क्यू बात करो, समझ जाना ध्यान से, है ना, ओ से पी या पी से क्यू, तब क्या हो रहा है, तब इस स्थिति में जब ओ से पी गया 360, पी से क्यू आया 120, 360 प्लस 120 480, 360 प्लस 120 480, अब जाने में देखो समय कितना लगा, ओ से पी की हम बात कर रहे हैं तो ओ से पी लगा 18 सेकंड, पी से क्यू लगा 6 सेकंड, तो 18 प्लस 6 कितना हो गया, 18 प्लस 6 हो गया आपके पास 24, तो 480 डिवाइड बाय 24 कितना हुआ, तो 480 डिवाइड बाय 24 आपके पास हो चुका है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब आइए वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, देखो पहले शुरू कहां से हुआ, ओ से, फिर कहां गया, पी, फिर कहां पर आया, क्यू, बराबर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, ओ, एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, क्यू, तो देखो एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट 240 प्लस 240, स्टार्टिंग का जीरो, तो वेलोसिटी के लिए देखो फाइनल माइनस इनिशियल 240, अब वापस समझना ध्यान से, ओ से पी 18 सेकंड, पी से क्यू 6 सेकंड, 24 सेकंड, तो देखो 240 डिवाइडेड बाय 24, नाउ 240 डिवाइडेड बाय 24 आंसर आता है प्लस 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां एक बात समझ लो बच्चों, एवरेज स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड लेकिन एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या हुआ भाई, स्पीड का आंसर बड़ा आ रहा है और वेलोसिटी का आंसर छोटा आ रहा है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन जनरल एवरेज स्पीड बड़ा होता है और एवरेज वेलोसिटी छोटी होती है। तो ये बात हम सीख चुके हैं। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव